उन्नयन कोण। आइए हम दी गई आकृति पर विचार करते हैं। यदि आप मैदान में खड़े होकर झंडे को देखें तो आपकी आंख को बिंदु ए पर लेने पर आपकी आंख से झंडे के शीर्ष सी को मिलाने वाली रेखा ए सी दृष्टि रेखा कहलाती है। झंडे के खम्भे की ऊंचाई हमारी ऊंचाई से अधिक हो तो उसके शीर्ष को देखने के लिए हमें ऊपर की ओर देखना होगा। हमारी आंख से खम्भे के शीर्ष को मिलाने वाली दृष्टि रेखा ए सी व क्षैतिज रेखा ए बी के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। देखिए आकृति तीन। यहाँ हमने माना है कि आंख ए पर है, अतः उन्नयन कोण ए से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण है। यदि खम्भा और ऊंचा हो तो सिर को और ऊंचा उठाना पड़ेगा। इस स्थिति में क्या उन्नयन कोण पहले से अधिक होगा, यानी फाई का मान थीटा से बड़ा होगा। झंडे के खम्भे की ऊंचाई और अधिक बढ़ने के कारण आपकी दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण बढ़ जाता है, यानी उन्नयन कोण बढ़ जाता है। आकृति चार देखें। सोचें एवं चर्चा करें। यदि झंडे की ऊंचाई कम कर दी जाए तो उन्नयन कोण के मान में क्या परिवर्तन आएगा। आइए अब एक दूसरी स्थिति पर विचार करें। यदि हम झंडे को बिंदु ए से न देखकर उससे थोड़ा और दूर ए डैश से देखें। आकृति पांच। आप पाएंगे कि बिंदु ए डैश से झंडे के खम्भे के शीर्ष को देखे जाने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण कम हो जाता है, यानी उन्नयन कोण का मान कम हो जाता है। इस प्रकार हमने पाया कि उन्नयन कोण का मान वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, परंतु वस्तु की प्रेक्षक यानी कि देखने वाले से दूरी बढ़ने पर क्रमशः कम होता जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग कर पर्वत की ऊंचाई, ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, महासागर की गहराई का मापन किया जाता है। खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों एवं तारों की दूरियां ज्ञात करने में करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें।